लैंग्वेज में ज्यादा यूज करो, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी सर, हिंदी सर, ठीक है गुड। हिंदी तो आप लोगों को देखो, मैं आप लोगों को सबसे पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आप लोगों को कि अभी आप लोग 10th करके आए हुए हैं, तो आप लोगों को पता है कि 10th में और 9th में जो आप लोगों को चीज बताया गया, एंड दैट वाज द बेसिक्स, वो बहुत ही कंसाइज वे में था, तो आप लोगों को ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए था। लेकिन नाउ यू आर इन 11th एंड आफ्टर दैट यू विल गो फॉर द 12th, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। आप सब लोगों का गोल है ना आगे नीट क्वालिफाई करना। सर। हाँ, तो इसीलिए हम लोग दोनों लेके चलेंगे, आप लोगों का जो 11th वाला क्लास है ये भी लेके चलेंगे, और नीट का भी मैं आपको डिटेल देखूंगा, ताकि जाके 2 साल के बाद एकदम से आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आप लोग क्वालिफाई करें नीट एग्जाम्स। और जिस बच्चे का भी माइक्रोफोन ऑन है वो माइक्रोफोन बंद रखे। फिरदोस अकरम, आप अपना माइक्रोफोन बंद रख लो, माइक्रोफोन बंद रख लेंगे सारे स्टूडेंट्स। हिंदी फिरदोस अकरम, प्लीज ऑफ योर माइक्रोफोन। प्लीज ऑफ योर माइक्रोफोन। ये किसका माइक्रोफोन किसका ऑन है? सर ये नाजमीन खानम कौन है सर उसका? नाजमीन खानम, आप बंद कर लो माइक्रोफोन अपना। ओके तो सर। देखो बच, क्योंकि जब जरूरत होगा तो माइक्रोफोन ऑन कर लेना, जब क्वेश्चन पूछना होगा तो उस वक्त माइक्रोफोन ऑन करना, लेकिन जल्दी बंद करना, क्योंकि क्या होता है जो आपके बैकग्राउंड में वहां पे साउंड होगा वो सबको सुनाई देता है और पूरा क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं अब जो आप लोगों ने 9th 10th में सीखा है उसको इलाबरेट कर लूंगा, उसमें आपको मैं छोटी चीजों को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि जाके आपका फ्यूचर में आपके लाइफ में अच्छा हो जाए। तो डरना नहीं है, और बड़ा आप लोगों को ब्रेव बनना है, नए नए वर्ड्स का पता चल जाएगा, और नए वर्ड का पता चल के आप लोगों को घबराना नहीं है कि हमसे नहीं होगा ये, और आप लोगों को कहना है कि नहीं, हमें नया चीज पता चल रहा है, इसको सीखना है, और फ्यूचर में हमें इसी चीज का यूज करना है ताकि हमारे लाइफ में अच्छा हो जाए। तो कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, अगर किसी बच्चे को हिंदी पे भी ज्यादा होल्ड नहीं है और या इंग्लिश पे भी ज्यादा होल्ड नहीं है तो उसको थोड़ा सा मेहनत करना है, बिकॉज जब भी आप लोग फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में आपको अगर डॉक्टर बनेंगे तो आप लोगों को सारा मेडिसिन या जितने भी MBBS में पढ़ाई करेंगे आप, वो सब आपको इंग्लिश में होगा, और कोई सा भी MBBS में ऐसा बुक नहीं होगा जो SMEs में होगा या जो बंगाली में होगा, कोई सा भी बुक ऐसा नहीं होगा MBBS में, और कोई भी दवाई ऐसा नहीं होगा तो जो आप लोग बंगाली में लिखेंगे या जो आप लोग SMEs में लिखेंगे। तो हर कोई दवाई जो है, जब भी प्रिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे तो वो प्रिस्क्रिप्शन आप इंग्लिश में लिखेंगे, और दवाइयों का भी नाम भी जो है वो ज्यादातर इंग्लिश में ही होता है। तो कोई भी बच्चा सोचे कि नहीं ये मेरे लिए नया है, उसको डरना नहीं है, मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से गाइड करूंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, और आप लोगों की सारा जो भी कोई कमजोरी है वो दूर हो जाएगा। जरा बच्चों, क्या इंसान को एक सक्सेस मिल सकता है कि अगर किसी पर्सन का वीकनेस है और वो उसको वीकनेस ही रहने देगा, या अगर कोई पर्सन अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाएगा, जरा किससे हमें सक्सेस मिलेगा? क्या वीकनेस को वीकनेस ही रहने देना है, या वीकनेस को स्ट्रेंथ कन्वर्ट करेंगे तो अब सक्सेस मिलेगा? स्ट्रेंथ हाँ, जब हम लोग अगर सपोज वीकनेस को वीकनेस ही रहने देंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाएगा, तो इंसान जैसे था वैसे ही निकल के जाएगा। और अगर आप लोगों का वीकनेस आपका स्ट्रेंथ बन जाए, आपका कमजोरी आपका ताकत बन जाए, तो दैट मींस आप लोगों को कामयाबी मिलेगा। और बाकी टेंशन नहीं लेना है, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। हम लोगों को 3 चीजों का फोकस करना है। सबसे देखो क्या चीज है, सबसे पहले आप लोगों को जो फोकस करना है और वो अंडरस्टैंड है,
और बच्चों दूसरी चीजों पे आपको फोकस करना है वो क्या है, वो रिवीजन है। और तीसरा चीज पे आपको फोकस क्या करना है वो है मेमोराइज। और जो अंडरस्टैंड करना है ये मेरा काम है, इसको आप मुझ पे छोड़ दीजिए, और ये मैं आपको 100% जो है आप लोगों को हेल्प करूंगा ताकि जाके आप लोग जो है 100% अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये मेरा जॉब है, बट आप लोगों को आप मुझे कैसे हेल्प करेंगे, और अगर आप लोग कंसंट्रेशन मेंटेन करेंगे तो 100% कंसंट्रेशन चाहिए, और 100% कंसंट्रेशन के बगैर नहीं हो पाएगा। और ये रिवीजन कैसे करेंगे ये आप लोगों का काम है, और आप लोगों का काम कैसे है बिकॉज आप लोगों को घर पे सेल्फ स्टडी करना है, और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो ये आप लोग कभी भी नहीं कर पाएंगे रिवीजन। और तीसरा जरा बच्चों क्या होगा, आप लोगों ने चीजों को बड़े अच्छे से सीखा और आप लोगों ने घर पे बड़ा अच्छे से मेहनत किया, आप लोग अपने लिए बड़े सिंसियर रहे, जरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा आप मुझे खुद ही बता दो, व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है? मेमोराइज होगा। क्या आपको लग रहा है कि मेमोराइज होगा अगर हम लोग दो ऊपर वाले दो स्टेप फॉलो करेंगे? यस। अब अगर आप लोग पहला स्टेप फॉलो नहीं करेंगे क्या आपको लग रहा है हम सेकंड स्टेप कर पाएंगे? नहीं नहीं। तो अगर सेकंड स्टेप नहीं कर पाएंगे क्या आपको थर्ड स्टेप हो पाएगा आप लोगों से? नहीं सर। नहीं सर। तो अब आप लोगों को पता चल रहा है कि क्लास में चुपचाप रहना है और अपना दिमाग 100% रखना है मेरे जो टीचिंग्स की तरफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ताकि जाके आपको कोई डाउट ना रहे। और जब आप रिवीजन करेंगे घर पे तो सबसे पहले आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है नोट्स जो आपके पास उसको एक क्विक रिवीजन करना है घर पे, और क्विक रिवीजन के बाद आप लोगों को जो मॉड्यूल दिया जाता है या आप उसके बाद एनसीईआरटी को एक बारी देख लो, और एनसीईआरटी को देखने के बाद जो है एनसीईआरटी के जो देखना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को एनसीईआरटी से जाके जो भी चीज दिए हैं वो आपको टिप ऑफ द टंग याद रखना है, और फिर जब आपको मॉड्यूल जो मिला है और उस मॉड्यूल से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जरा बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या अराइज होगा आप लोगों के, क्वेश्चन अराइज करने क्या सारे, अगर आप 10 क्वेश्चन दूंगा मैं, कोई बच्चा हो सकता है 10 क्वेश्चन करे, लेकिन कोई बच्चा हो सकता है 8 ही क्वेश्चन करे और 2 पेंडिंग रहे। जरा बच्चों वो 2 पेंडिंग रहा है वो क्या है? वो डाउट होगा और वो वापस आना है टीचर से पूछना है। और जब आप लोग डाउट भी पूछेंगे सब कुछ करेंगे तो आपके पास ये सारा स्टेप करने के बाद ना आपको कोई सा भी एग्जाम होगा या हम लोग लेंगे इंस्टीट्यूट में या आप लोगों का नीट होगा, और ये एग्जाम जो है दिस इज योर टेस्ट ऑफ योर मेमोरी। चलो अब बता दो आप लोग मुझे, मैं आप लोगों का मेमोरी का टेस्ट करूंगा और देखो मैं आपका एग्जाम कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ये अच्छे से करा होगा तो आप लोग आराम से आंसर दे पाएंगे। तो बता दो मुझे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट के किस जगह में फोटोसिंथेसिस होता है? लीफ में। लीफ में। अगर मैं आपसे कहूँ लीफ में किस जगह पे होता है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ लीफ में किस ऑर्गेनल में होता है, हाँ तो लीफ में आप लोगों को याद रखना होता है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। गुड। अगर मैं आपसे कहूँ क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट यूज होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है? क्लोरोफिल। गुड। तो दैट मींस आप लोगों ने समझ लिया जब टीचर ने पढ़ाया था, और आप लोगों ने रिवाइज भी उसे अच्छे से किया, और आप लोगों को मेमोराइज। अब मैंने एग्जाम कंडक्ट किया तो आप सक्सेस निकल गए, तो आपने टेस्ट जो आपका मैंने मेमोरी का करा तो नाउ अपना माइक्रोफोन अब बंद करके रख लो, ठीक है? तो ये चीजें आप लोगों को फॉलो करना है, तो देखो आप लोगों का लाइफ बड़ा अच्छा हो जाएगा, और बाकी मैं आपको फ्यूचर में बताते रहूंगा। तो लेकिन आज से आप लोग
याद रख लेना जरा बच्चों, आज से आप लोग मुझसे वादा करेंगे कितना सेल्फ स्टडी करेंगे आप आज से, जरा कितना सेल्फ स्टडी करेंगे आप आज से मिनिमम, कितना सेल्फ स्टडी करेंगे आप आज से मिनिमम? 6 to 8 hours मिनिमम मिनिमम, कोई बच्चा ज्यादा भी कर सकता है, और जो बच्चा 6 to 8 hours सेल्फ स्टडी आज से मैनेज करेगा, और मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूँ वो कोई सा भी एग्जाम क्वालिफाई करेगा। तो लेक्चर सारे अटेंड करने हैं, सेल्फ स्टडी करना है, और आराम से आप लोगों का हर कोई क्वेश्चन, ये सारा प्रोसेस जो मैंने बता दिया ये फॉलो करना है। नाउ लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द बॉटनी, एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द बॉटनी दैट वी विल स्टार्ट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। माइक्रोफोन बंद करके रख लेना प्लीज। हाँ, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बच्चों पहले हम लोग देखेंगे ये रेस्पिरेशन होता क्या है। सो इसमें आप लोग लिख लेना द ब्रेक डाउन ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ ये अजमल, ये अपना माइक्रोफोन प्लीज बंद करें। चलो द ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट और यह सबस्ट्रेट के ऑब्लिक जो है आप लोग फूड भी लिख सकते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट या फूड इनसाइड द लिविंग सेल्स, इनसाइड द लिविंग सेल्स सो दैट टू रिलीज एनर्जी, so that will release energy is called as respiration. The breakdown of substrate your food inside the living cells so that to release energy is called as respiration. Clear? देखो बच्चों अब अगर हम लोग रेस्पिरेशन में देखें तो कोई भी सबस्ट्रेट हम लेंगे, जरा कोई भी सबस्ट्रेट आप बता दो मुझे, मैं यहाँ पे एक सबस्ट्रेट ले लूंगा, सपोज मैं ले लूंगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है एंड दैट इज C6H12O6, और ये C6H12O6 जो है इसके पास 6 ऑक्सीजन एटम आएगा, और ये 6 ऑक्सीजन एटम जो है अब इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराएंगे into the 6 carbon dioxide and plus 6 water molecules and plus लेंगे हम यहाँ में energy. Good morning sir. Good morning. And plus energy. तो बच्चों ये जो breakdown हो रहा है तो इस breakdown को हम लोग कहेंगे cellular respiration. जी sir. ठीक है, और यह आप लोग रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, और प्लस ये होगा ड्यू टू सम मॉलिक्यूल्स एंड दोज आर कॉल्ड एंजाइम्स। तो अब देखो यहां पे मैंने स्टार्टिंग में क्या करा, आई टुक द ग्लूकोज हियर, और ग्लूकोज लेने से मैंने किससे ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीजन से, और फिर ये ग्लूकोज टूटा, और ग्लूकोज में देख लो बच्चों 6 कार्बन थे इधर, और ये 6 कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो गए और 6 कार्बन डाइऑक्साइड में, और प्लस ये मॉलिक्यूलर वाटर रिलीज हो गया, और जब बॉन्ड्स ब्रेक हो गए तो यहाँ हमें एनर्जी मिला हमें, और ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, और जो यहाँ में मॉलिक्यूल्स काम आते हैं दे आर कॉल्ड एज द एंजाइम्स। तो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट देयर, respiration is also called as cellular respiration. respiration is also called as cellular respiration, और यहाँ बच्चों इसको हम लोग कहते हैं
टिश्यू रेस्पिरेशन भी, तो बस फिलहाल आप लोग एक याद रख लेना और वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये होता है साइटोप्लाज्म में और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में। सो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट देयर रेस्पिरेशन occurs in cytoplasm and mitochondria of cell. तो जो भी mitochondria होगा या cytoplasm होगा तो उसमें जाके वहां में ये respiration होगा। Is this clear? लाल बच्चों ये डेफिनेशन है। अब अगर हम लोग खाना खाएंगे तो खाना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट होता है और फिर वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या प्लांट के बॉडी में खाना बनता है, खुद बनाता है और फिर वो जाएगा सेल्स में और सेल्स में वो टूटता है। तो वो जब सेल्स में टूटेगा तो वहां से एनर्जी निकलेगा और वही एनर्जी हम फिर यूज करते हैं। शुड आई क्लियर दिस? नो सर प्लीज दोबारा। अगर सपोज मैं इसको क्लियर करूं, मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे मैंने यहाँ इरेज किया है ना, तो अगर कोई बच्चा लिख नहीं पाया फास्ट और उसका रह गया तो वो मुझे बता देगा, सर मेरा रह गया, प्लीज आप लोग वापस पेज लाइए, तो ना मैं यहाँ से वापस ला सकता हूँ। और आप मतलब ये नहीं सोचना कि डिलीट हो गया तो आप नहीं आएगा, तो मैं उसको वापस ले आऊंगा तो आप मुझे कह देना बिना डर के, डरना नहीं है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो अब मैं आप लोगों को और चीजें सिखाऊंगा इसमें। तो पहले मैं आप लोगों को लेकिन इस रेस्पिरेशन के फीचर्स बता दूंगा। तो नाउ राइट फीचर्स ऑफ रेस्पिरेशन। फीचर्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो बच्चों सबसे पहला वाला याद रख लेना आप कि जो रेस्पिरेशन जो है ये एक स्लो प्रोसेस होता है और होता है मल्टी स्टेप्स में, ये एक ही स्टेप में नहीं होता है। तो देखो रेस्पिरेशन इज अ स्लो प्रोसेस। एंड इन्वॉल्व्स मल्टी स्टेप्स, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट नहीं होता है। That is, respiration is not completed in single step. अभी मैं आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूं, इसके बाद हमें सीखना है रेस्पिरेशन क्या है। तो बस ये बेसिक पॉइंट आप जो है याद रखते जाना और एक्सप्लेनेशन इसके बाद है। अब बच्चों क्या रेस्पिरेशन फास्ट एंड इन्वॉल्व मल्टी स्टेप्स के मेनी स्टेप्स। अगर आप लोग वहां पे लिखते हैं मल्टी स्टेप्स तो ब्रैकेट में लिख लेना मेनी स्टेप्स इफ यू वांट इट्स एक्सप्लेनेशन। बच्चों क्या रेस्पिरेशन फास्ट प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। क्या एक स्टेप में होता है या बहुत सारे स्टेप में होता है? मल्टी स्टेप्स में होगा। तो बच्चों अब जाके जब ये रेस्पिरेशन होगा, इधर में जो ब्रेक होता है सबस्ट्रेट जो ब्रेक होता है तो उस सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इसमें लिख लेना यहां में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन और एनसीईआरटी में लिखा है सी बॉन्ड सी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द सी बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट कार्बन सी बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड और या आप लिख सकते हैं ऑब्लिक टू दिस आर ब्रोकन।
so that to release that's C bond. C matlab yahan maine aapko explanation diya what C is here, carbon, and what the other C is here, bond. Carbon, carbon ka bond jo hai wo toot jata hai, so that to release considerable amount of energy. जो क्या बताया था रेस्पिरेशन होता है, व्हाट वाज रेस्पिरेशन? द ब्रेकडाउन ऑफ सब्सट्रेट और फूड इनसाइड द लिविंग सेल्स सो दैट टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. वेरी गुड. अब बता दो बच्चों, जब वो सब्सट्रेट ब्रेक होगा तो ये बता दो मुझे उस सब्सट्रेट का कौन सा बॉन्ड्स ब्रेक होता है? कार्बन कार्बन. वेरी गुड. कार्बन कार्बन बॉन्ड. जब वो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होने से क्या रिलीज हो जाएगा? एनर्जी. तो अब हमें देखना है कि जो ये एनर्जी रिलीज होता है तो क्या ये ऐसे ही सेल में फ्रीली फेंका जाता है या ये किसी में कन्वर्ट होता है. ठीक, तो इसमें लिख लेना द एनर्जी, द एनर्जी जो रिलीज होता है किसे? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से. द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्रीली इनटू द सेल्स. The energy released from the substrate is not released freely into the cells, but is converted, yeah, but is trapped, in the form of which from? But is trapped. T R A P P E D. The energy released from the substrate is not released freely. FRELY into cells, but is trapped in the form of ATP. और बच्चों ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. जी सर. बच्चों जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा, क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने से वो एनर्जी जो है क्या ऐसे ही फ्रीली रिलीज होता है या वो किसी में ट्रैप किया जाता है? एटीपी में ट्रैप होता है. हाँ वेरी गुड. वो ट्रैप होता है और किस में ट्रैप होता है? एटीपी. तो इसीलिए इस एटीपी को हम लोग कहते हैं कि इट इज द एनर्जी करेंसी. सो लिखो इसमें एटीपी. The ATP is also the ATP is energy carrier and energy currency of cell. And energy. Then the ATP is energy carrier and energy currency of cell. बच्चों अगर आप लोग मार्केट जाएंगे कुछ खरीदने के लिए तो आपके जेब में क्या होना चाहिए?
मनी सर मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए है ना, तो तभी जाके आप कुछ खरीद सकते हैं। अब बता दो अगर हमारे बॉडी में कोई काम होना है, कुछ काम करना होगा, तो उन सेल्स को क्या खर्चाना है, क्या स्पेंड करना है, एनर्जी एटीपी खर्च करना है। तो अगर सपोज एटीपी वो खर्च करेगा तो एटीपी खर्च करने के बाद वो सारा काम कर सकता है। तो हमें अब देखना है कि जो ये एटीपी बनता है तो ये कौन सा काम में, जरा आप ही बता दो आप क्या क्या काम करता है हमारा बॉडी। तो आप मुझे बता दो एटीपी क्या क्या काम हमारी बॉडी में करवाता, क्या क्या काम आप लोगों के बॉडी से होता है ये बता दो, मैं इसको क्लियर करूं। इंजरीज को क्या करता है इंजरीज, मैं आपको थोड़ा सा वेरी गुड, इंजरीज को हील करता, और जरा बताओ, और बताओ कुछ। चलो आप लोग इमीडिएटली इसके बाद नहीं लिखना, थोड़ा सा ऊपर स्पेस छोड़ना है क्योंकि मुझे ऊपर भी लिखना है। मैं क्या कहूंगा यहाँ पे कि ये सबस्ट्रेट है, और बच्चों ये सबस्ट्रेट मानूंगा मैं ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब बता दो ये सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना क्या ये एक ही स्टेप है या ये मल्टी स्टेप है? मल्टी स्टेप होगा, मल्टी स्टेप है। तो मैं कहूंगा एक मल्टी स्टेप रिएक्शन में ये सबस्ट्रेट जो है ये कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो अब मैंने कहा कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम जो है हमने नाम दिया जरा क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। हम यहाँ पे नाम देंगे कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो बच्चों इस सेलुलर रेस्पिरेशन के समय ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, और वहां सीसी बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है, और जब वो सीसी बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अब हमें देखना है कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो ये किस किस में यूज होता है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये एनर्जी मैक्सिमम जो है ट्रैप होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। है ना, और ये एनर्जी जो रिलीज हो गया ये थोड़ा सा हीट में भी रिलीज होता है, और बच्चों वो हीट जो है हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, वो बॉडी का वार्मिंग करता है। और ये हीट थोड़ा सा रिलीज भी होता है, लॉस भी होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिसिपेशन। और डिसिपेशन मतलब हम लोग लेंगे कि लॉस भी होता है। तो अब जो ये एटीपी जो हमारे बॉडी में या किसी भी चाहे प्लांट का बॉडी हो चाहे कोई सा भी बॉडी हो, तो ये एटीपी सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ना करवाता है फिजिकल वर्क। क्लियर। और ये जो है हम लोगों का अगर सपोज कोई भी ट्रांसपोर्ट होगा तो उसमें काम आएगा, प्लांट के मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करवाता है। क्लियर। और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बाद में ये हम लोगों का बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है, या प्लांट के बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये हमारे बॉडी में काम आता है सिंथेसिस के काम आता है, सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स। जरा कोई बता दो आप लोग प्लांट के बॉडी में जो चीज बनता है, प्लांट क्या बनाता है हमारे लिए? ऑक्सीजन। वेरी गुड है ना, और वो ऑक्सीजन किस समय रिलीज होता है? फोटोसिंथेसिस के समय। गैसियस स्टेट। फोटोसिंथेसिस के समय है ना, तो बच्चों फोटोसिंथेसिस के समय अब क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अब बता दो वो ग्लूकोज बनना क्या वो एटीपी उसमें रोल प्ले करेगा या नहीं? यस, बिकॉज ग्लूकोज बन ही नहीं सकता है कि एटीपी के बगैर,
जब एटीपी होगा तभी ग्लूकोज बन जाएगा। तो सेल डिवीजन, क्या सेल डिवीजन ऐसे ही होगा या सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब बच्चों वो एनर्जी कौन देगा? एटीपी। तो दैट मींस अब हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई सबस्ट्रेट ब्रेक होता है प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी रिलीज होता है और कन्वर्ट होता है एटीपी में, और एटीपी हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाता है, प्लांट के बॉडी में फिजिकल वर्क है वो कराएगा, सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड वो करवा देगा, और सेल डिवीजन में काम आएगा, और भी काफी सारे काम है जो ये एटीपी करवा देगा हमारे बॉडी में। लेकिन थोड़ा सा एनर्जी किसमें लॉस होता है? हीट में, और वो हीट का आधा लॉस होगा लेकिन आधा किसमें हेल्प करेगा? बॉडी के वार्मिंग में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री रहता है, और वो 37 डिग्री इसलिए रहता है क्योंकि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो वहां में हीट रिलीज होगा, और वो हीट रिलीज हमारा एनर्जी जो है मेंटेन करता है बॉडी का। तो इसमें लिख लेना ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सम अमाउंट ऑफ हीट या सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, some amount of energy is also lost in the form of heat. Clear? Are you done with this? Should I clear this? Yes, sir. हाँ. चलो अब कौन कितने फीचर हुए हमारे रेस्पिरेशन के? तीन हुआ या दो हुआ? तीन हुआ हाँ? तीन, तो अब आप लोग चौथा लिख लेना। देखो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन the biocatalyst use or call as, बच्चा कुछ लिख रहा है कि ये क्या क्यों ऐसा कर रहा है? रजिया आप क्या कर रही है ये? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द बायोकैटलिस्ट यूज और कॉल्ड एज एंजाइम्स during respiration ये रोहिमा अख्तर आप अपना ये माइक्रोफोन बंद कर लो, अदरवाइज मैं आपको म्यूट कर दूंगा। और नजीरा का भी ये है, और अजमल ये भी बंद कर देगा। चलो अब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द बायोकैटलिस्ट यूज आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। तो बच्चों क्या अब रेस्पिरेशन होगा विदाउट एंजाइम्स, या हमेशा एंजाइम्स ही रेस्पिरेशन करेंगे? सो दैट इज रेस्पिरेशन, या दैट इज द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन respiration are carried by different enzymes. चलो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ ये चीज एंजाइम क्या होता है। ये आप लोग जूलॉजी में पढ़ेंगे, आप लोगों को जूलॉजी में बायो मॉलिक्यूल पढ़ना है तो बायो मॉलिक्यूल में एक अलग टॉपिक है एंजाइम का। मैं आपको एक लिटरल मीनिंग समझा दूंगा एंजाइम का क्या होता है। देखो बच्चों अगर मैं आप लोगों को अभी पढ़ा रहा हूँ तो अभी आप लोग पढ़ाने के बाद में जब घर जाएंगे और गैया घर पे ही होंगे तो आप लोगों को सपोज एक पेज है, ये आप लोगों को बनाना नहीं है,
और वहां पे एक पेज है आप लोगों के बुक में, और उस बुक में उस पेज पे मान लेंगे हम 30 लाइंस है। मेरा लेक्चर अटेंड करने से पहले आप लोगों ने ये बुक का पेज पढ़ने का कोशिश करा तो, लेकिन आप लोगों ने 2 घंटे दिए, 3 आवर्स दिए, 4 आवर्स दिए, तो आप लोगों को 2 लाइन भी समझ नहीं आ रहा है 30 लाइन में से। तो आप लोग अटके हुए हैं, रुके हुए हैं 2 लाइन पे, समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों को ये क्या है। तो दैट मीन्स मैं कहूंगा कि आप लोगों का जो ये स्टडी का रेट है, ये स्टडी का स्पीड जो है बहुत ही कम है। तो अब जाके मैं आया और मैं आप लोगों को ये एक पेज समझा दिया, 30 लाइन समझा दिए, और आप लोग जब घर गए तो आप लोगों ने 5 मिनट में ये पेज पढ़ा और इसको समझा भी और इसको खत्म भी किया। जरा बच्चों अब बता दो, आपका पढ़ने का स्पीड कम हो गया मेरी वजह से या आपको पढ़ने का स्पीड बढ़ गया? सब स्पीड बढ़ गया। तो अब जो मैं आप लोगों के लिए कैटलिस्ट हूं, मैंने आप लोगों का पढ़ने का रेट को इंक्रीज कर दिया, पढ़ने के स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो बच्चों इसी तरीके से हमारा जो ये रेस्पिरेशन है इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और ये एंजाइम कहते हैं कि दे आर द बाई कैटलिस्ट और जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। और इसीलिए जो भी कोई रेस्पिरेटरी स्टेप होगा और उसमें अलग अलग तरह का एंजाइम इन्वॉल्व होना है। अब आप लोग समझ गए एंजाइम का मीनिंग? Yes, sir. हाँ, तो अब नेक्स्ट वाला फीचर जो है लिख लेना आप वहां में कि जो रेस्पिरेशन इज एक्सर्गोनिक दैट इज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन That is during respiration, energy is released. बच्चों जब एनर्जी किसी रिएक्शन से रिलीज होगा तो क्या कहते हैं उस प्रोसेस को जो एनर्जी रिलीज करवाता है? एक्सर्गोनिक। तो रेस्पिरेशन एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं वहां पे 6th वाला, respiration is amphibolic. Respiration is amphibolic. और क्यों ये amphibolic है? आप लोगों ने देखा कि इसमें एक ब्रेक होता है दूसरे में, लेकिन इसके इंटरमीडिएट ऑल्सो यूज होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड्स। सो लिखो दैट इज both catabolic respiration is amphibolic that is it is both catabolic or catabolic मतलब क्या होता है? ये break down करवाता है। तो catabolic यहां में लिख लेना break down and anabolic, और anabolic का मतलब है synthesis होना, preparation करना किसी का। Respiration is amphibolic, that is, it is both catabolic and anabolic. और इसमें आप लोग लिख लेना the intermediates या the carbon skeleton. The carbon skeleton और bracket में लिख लेना intermediates. The carbon skeleton, that is intermediates. produced during respiration or also carbon skeleton skeleton are also used for the synthesis of बच्चों सिंथेसिस को हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल।
और ये आप लोग याद रख लेना, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। बताओ जो भी कोई ब्रेकडाउन रिएक्शन होता है, ब्रेकडाउन रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो आप लोगों ने जब अभी देखा था, तो अभी आप लोगों ने देखा कि ये तो कैटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन, क्योंकि सर ने कहा सबस्ट्रेट मल्टी स्टेप में धीरे 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 कन्वर्ट होगा किस में, प्रोडक्ट में। तो सर ने तो यही सिखाया हमें, सर ने तो कहा था C6H12O6+6O2 गिव 6CO2 प्लस 6 वाटर, तो वहां तो ग्लूकोज ब्रेक हो गया, किस में ब्रेक हो गया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। जरा बच्चों ग्लूकोज का ब्रेक होना 6 कार्बन डाइऑक्साइड में, क्या आपको वो कैटाबॉलिज्म दिख रहा है या वो एनाबॉलिज्म दिख रहा है? क्या आप लोगों को ग्लूकोज, वेरी गुड, कैटाबॉलिज्म। तो जब ग्लूकोज ब्रेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वो कैटाबॉलिज्म है। तो कहेंगे सर वो तो कैटाबॉलिज्म है, फिर कैसे कहा आपने एनाबॉलिज्म होगा? तो अब देखो जो मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो रेस्पिरेशन है, सपोज सबस्ट्रेट है और ये ब्रेक हो गया, और ये किसी इंटरमीडिएट में आप ब्रेक हुआ, 1 फिर इंटरमीडिएट 2 फिर इंटरमीडिएट 3 फिर इंटरमीडिएट 4 फिर इंटरमीडिएट 5 और फिर फाइनल प्रोडक्ट बन गया, तो ये वाला मानेंगे हम कि ये कैटाबॉलिज्म है। तो बच्चों लेकिन इसमें से कोई इंटरमीडिएट, तो इसको मैं मान लूंगा कि ये कार्बन स्केलेटन है और ये चला जाएगा, तो मींस इट विल बी इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड। मैं मान लूंगा कि आपको ऐसे समझा दूंगा कि दिस इज इंटरमीडिएट और इस इंटरमीडिएट को मैं मान लूंगा कि इसमें कार्बन है। तो बच्चों जिस इंटरमीडिएट में कार्बन्स होंगे तो क्या कहेंगे उसको? कार्बन स्केलेटन, जैसे हड्डियों का स्केलेटन होता है और वैसे ही कार्बन का स्केलेटन। तो इसमें से जो ये इंटरमीडिएट, जो कार्बन स्केलेटन जो है, ये यूज होगा या एक्ट्स एज प्रिकर्सर, एक्ट्स एज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है जरा, ये वाला समझ आया पहले से समझ नहीं आया? ये वाला था। हाँ मैं अभी समझा, आप टेंशन मत ले लो, मैं आपको सारा समझा दूंगा। अभी मुझे, मैंने रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि रेस्पिरेशन में हमें आगे क्या पढ़ना है। आप लोगों को ये लिखना नहीं है, आप लोगों ने जो ये लिखा ना, बस अगर आप अपने समझाने के लिए ये लिख रहे हैं तो अब देख लो आप समझ लो आप, ये मैं आपको और बताता हूँ। मैंने आप लोगों को क्या था कहा था, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, जो ऊपर वाला रिएक्शन दिखाया था स्टार्टिंग वाला, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था जो स्टार्टिंग वाला रिएक्शन बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो बच्चा अभी कहा था कि मुझे समझ नहीं आया, वही बच्चा मुझे बता देगा कि जो पहला रिएक्शन दिखाया था मैंने, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बच्चों अब ये ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना, तो ये मतलब एक ही रिएक्शन नहीं है क्या? ये एक ही रिएक्शन है या मल्टी स्टेप रिएक्शन है? वेरी गुड, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो अब मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट्स होंगे बीच बीच में, और इसीलिए मैंने यहाँ इंटरमीडिएट 1 लिखा, इंटरमीडिएट 2 लिखा, इंटरमीडिएट 3, इंटरमीडिएट 4, इंटरमीडिएट 5, इंटरमीडिएट 6। आप लोगों को ये बनाना नहीं है, ये हमें आगे सीखना है, और आप लोगों को मैं बता दूंगा कौन सा इंटरमीडिएट है और जो यूज होता है किसके सिंथेसिस के लिए। तो अब देखो यहाँ मैंने कहा कि ये S1 हुआ, S हो गया कन्वर्ट I1 में, I2 में, I3 में, I4 में, I5 में, प्रोडक्ट में, और फाइनल ये प्रोडक्ट है इधर। तो इसमें से जो ये इंटरमीडिएट है और ये यूज हो सकता है किसी और के सिंथेसिस के लिए, सिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल। जरा बच्चों ये सिंथेसिस वाला प्रोसेस क्या एनाबॉलिज्म है या हम लोग कहेंगे ये कैटाबॉलिज्म है? ये वाला क्या हो गया, एनाबॉलिज्म। जरा ये बता दो मुझे, ये ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस क्या है इधर, ये ब्रेकडाउन वाला, ये ब्रेकडाउन वाला कैटाबॉलिज्म कहेंगे या इसको कहेंगे एनाबॉलिज्म?
कैटाबॉलिज्म। अब बताओ ये कैटाबॉलिज्म है एनाबॉलिज्म भी है, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को जो बोथ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है? क्या कहते हैं उस प्रोसेस को जो बोथ कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है? ठीक है, अब मैं आप लोगों को ऐसे समझाता हूँ और एग्जांपल में दूंगा। हम लोग जाके सपोज कोई चीज जो है एक चीज हम लोग जोड़, हमारे पास एक खिलौना था तो उस खिलौने के अलग अलग पार्ट्स थे, तो उस खिलौने से अलग अलग पार्ट्स जो हैं वहां पे ना हमने उस उन पार्ट्स को जोड़ा और उन पार्ट्स को जोड़ के हमने सपोज एक कार बना दिया। तो बच्चों ये जोड़ने वाला प्रोसेस जो है, क्या आपको लग रहा है कि ये यहाँ में एनाबॉलिज्म है या आपको लग रहा है ये कैटाबॉलिज्म है? एनाबॉलिज्म है। और अब जाके अगर सपोज मैं इस कार को ब्रेक करूं और इसको अलग अलग यूनिट में तोड़ दूं तो क्या होगा? वो कैटाबॉलिज्म। लेकिन क्या रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म है या रेस्पिरेशन एनाबॉलिज्म है या रेस्पिरेशन बोथ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है? अब बता दो क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हम लोग? एम्फिबोलिक कहते हैं। तो मींस कोई सा भी इंटरमीडिएट, कोई सा भी कार्बन स्केलेटन और यूज हो सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड। जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था क्या उसको क्लियर हुआ? जी सर। हाँ तो अब ये वाला जो है हमने देखा कि ये फीचर्स है इस रेस्पिरेशन का। आप लोगों को मैं ये सारा आगे बता दूंगा, बस मुझे पहले लिखाना है कि एनसीईआरटी का डिटेल आप लोगों को बता देना है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप लोग क्या कर लेना वहां में, आप लोग हेडिंग कर लेना टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। या पहले आप टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन से पहले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिख लो और उसके बाद में आप लोगों को बता दूंगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और बच्चों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो कंपाउंड होता है कि जो ब्रेक होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो इसमें लिख लेना द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस The organic substances that are oxidized during the process of respiration are called as respiratory substrates. The organic substances that are oxidized during the process of respiration are called as respiratory substrates. So next point likh lena idhar mein aap carbohydrates, comma fats, comma you can write there jaise proteins hain and some organic acids. Some organic acids are the examples of respiratory substrates. बच्चों अब जो भी कोई कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो रेस्पिरेशन के समय ब्रेक होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग खाने में चावल खाते हैं तो चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, हम लोग खाने में ऑयल खाते हैं तो उसमें फैट होता है, हम लोग सपोज मछली खाएंगे, मीट खाएंगे तो उसमें प्रोटीन होता है। तो कुछ एसिड्स होते हैं जैसे लैक्टिक एसिड है तो वो यूज होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन,
और इन सबस्ट्रेट्स को हम लोग क्या हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जरा आप लोग बता दो मुझे, अगर हमें लिखना पड़ेगा विच इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इनमें से बता दो मुझे कौन सा कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड। हाँ तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सबसे कॉमन हम लोग यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चों अगर कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा तो उसके बाद फैट यूज होता है, और अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों खत्म हो जाए एंड देन प्रोटीन यूज होगा। सो फैट्स आर यूज, फैट्स आर यूज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इफ कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट प्रेजेंट। So next point, proteins are used only as a substrate, only as a respiratory substrate. Proteins are used only as a respiratory substrate if carbohydrates and fats और absent. Clear? जी सर। तो अब सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। इज द कार्बोहाइड्रेट। तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं हुए तो फैट यूज होगा, और अगर फैट नहीं होगा तो जाके तब जाके फिर प्रोटीन यूज हो सकता है। तो शुड आई क्लियर दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो आप यहाँ पे हेडिंग कर लेना उधर में उसी के साथ, हाँ, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सर थोड़ा पीछे जाइए ना, नहीं लिखा। आप मुझे बता देना जब आपका हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट लिख लेना आप, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जरा बच्चों खुद ही लिख लो जल्दी से, ऑर्डर क्या होगा, कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सबसे पहले यूज करेंगे हम, कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सबसे पहला यूज करेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट या कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या, तो कार्बोहाइड्रेट्स, और देन ग्रेटर देन किससे? फैट से, और ग्रेटर देन किससे? प्रोटीन्स। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। चलो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि शायद अमीनर और रजोल को शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो आई होप उनको समझ आया होगा जितना भी बताया। नाउ वी विल जस्ट हैव अ क्विक ब्लिंक ऑफ दिस व्हाट वी डिड अप टू दिस टाइम। तो चलो अब बता दो मुझे, सबसे पहले रजोल ही बता देगा मुझे कि डेफिनेशन रेस्पिरेशन का क्या होता है। रजोल टेल मी द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। The breakdown of substance food inside the living. Very good. Then living cells so that to release energy is called respiration. कोई भी organism हो, plant हो, animal हो, bacteria हो, fungi हो, algae हो, उसको जिंदा रहने के लिए respiration करना ही करना है।
अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। चलो अब नेक्स्ट जो है आप लोग मुझे बता देना कि जब ये रेस्पिरेशन होता है कौन से बॉन्ड्स टूटते हैं रेस्पिरेशन के समय? वेरी गुड, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। तो बच्चों जब कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा तो किसका कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा? किसका कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा? अब आप लोगों को पता चला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। जरा बता दो मुझे वो कार्बन कार्बन जब बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या रिलीज होगा? एनर्जी। तो एनर्जी जब रिलीज होगा तो एनर्जी रिलीज होके क्या ऐसे ही फ्री छोड़ा जाता है सेल में या उसको ट्रैप करा जाता है? ट्रैप करा जाता है ना। हाँ चलो तवहीद, तवहीद बता देगा मुझे कि तवहीद कौन से फॉर्म में उस एनर्जी को ट्रैप करा जाता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बता दो मुझे क्या अब रोहिना बताएगी मुझे, रोहिना टेल मी क्या सारा एनर्जी एटीपी में ट्रैप होता है या कुछ एनर्जी लॉस भी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट? लॉस भी होता है इन द फॉर्म ऑफ द हीट। चलो अब आफरीन, आफरीन विल टेल मी कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सबसे कॉमन यूज होता है बॉडी में? आफरीन टेल मी व्हिच इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज इन द बॉडी? चलो इज एनी अदर गाय केपेबल टू आंसर? अमीनूर बताएगा। अमीनूर टेल मी व्हिच इज द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज इन द बॉडी? अमीनूर बच्चों कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कॉमनली यूज होता है बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट। जरा मुझे प्रेफरेंस बता दो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का क्या क्या प्रेफरेंस है, पहले कौन सा यूज होगा? कार्बोहाइड्रेट। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना नेक्स्ट वन, यू विल राइट द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। और बच्चों टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हम लेंगे पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक। हाँ वेरी गुड, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। On the basis of presence or absence of oxygen. बच्चों दो तरह के रेस्पिरेशन होता है, तो एक होता है एरोबिक और एक क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आप लोग क्या कर लेना, दो कॉलम बना लेना उधर और एक साइड लिख लेना एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरी साइड लिख लेना एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अमीनूर अगर आप मतलब इंटरनेट स्लो है तो यू नीड टू चेंज द प्लेस। और अगर इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ऐसा कर लो या तो आप चेंज थोड़ा सा घर पे जो जगह है एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो हो सकता है नेटवर्क जो है हेल्प करे। सो बाकी आप सर से बात कर लेना कि आपको वीडियो का लिंक मिलेगा या वैसे नहीं मिलेगा, एंड चेंज कर लो अपना लोकेशन हो सकता है, तो फिर भी आप सर से बात करने कि वीडियो का लेक्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रेस्पिरेशन जो है अब दो तरह का होता है, वन इज एनएरोबिक एंड सेकेंड इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लिख लेना आप अगर खाना ब्रेक होगा और खाना ब्रेक होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लिखो द
the breakdown या आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन. द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन. और यहां पे लिख लेना द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज वेरी गुड एरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? जहां हमें भी दिक्कत हो जाए और आप लोग जल्दी मुझे बताएंगे. सर कलुट के बात क्या है? हाँ हाँ कलुट के बात क्या है? The breakdown या oxidation of food in absence of oxygen is called as anaerobic respiration. हाँ और यहाँ भी देखना है the oxidation of food in presence of oxygen is called as aerobic respiration. क्लियर हुआ? तो अब आप लोग याद रख लेना कि जो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का और इसमें का फुल ऑक्सीडेशन नहीं होता है. सो इसमें लिख लेना इट इज द इनकम्प्लीट is the incomplete oxidation of food it is the incomplete oxidation of food aur bachcho yahan mein yaad rakh lena complete oxidation of food hota hai so complete oxidation of food occurs complete oxidation of food occurs. और अगर आप लिखना भी चाहते हैं किसमें जरा खुद लिख लो बच्चों complete oxidation of food occurs to जरा इसको खुद कर लो फिर तो किस किस में ब्रेक होता है. अगर आप लोगों को मैंने एक एग्जाम्पल बताया था क्या आप मुझे बता सकते हैं टू क्या क्या लिख सकता हूँ मैं इधर? ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया था तो बच्चों ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था? CO2 एंड व्हाट? वाटर. हाँ तो गुड है. और वहाँ पे नंबर क्या है वाटर का अभी लेना देना नहीं है उसे. 6 CO2 6 वाटर. पूरा जब कंप्लीट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा ग्लूकोज टूटेगा इसमें CO2 एंड इसमें. लेकिन अगर हम इसमें लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. वेरी गुड. इन अ कम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड तो या तो कभी कभार इथेनॉल बनता है और या तो कभी कभार लैक्टिक एसिड बनता है. सो इसमें लिख सकते हैं टू इथेनॉल और या लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड. तो बच्चों जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है जो हीट है ज्यादा लॉस होता है और यहाँ में हीट का लॉस कम होता है. सो इसमें लिखे ना द एनर्जी रिलीज इज मेनली लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. और यहाँ पे लिख लेना हीट लॉस इज वेरी लेस
बच्चों अब आप लोग अपना दिमाग लगाओ, अगर यहाँ में एनर्जी रिलीज इज मेनली लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्या यहाँ में कम एटीपी बनेगा या ज्यादा एटीपी बनेगा? एनएरोबिक में कम बनेगा, गुड। और यहाँ में बता दो क्या ज्यादा एटीपी बनेगा या कम एटीपी बनेगा? ज्यादा एटीपी बनेगा, है ना? तो शुड आई, शुड आई क्लियर दिस? तो अब आप लोग डिफरेंस कंटिन्यू करते रहना। सो लिख लेना, फ्रॉम वन ग्लूकोज, फ्रॉम वन ग्लूकोज ओनली टू एटीपी आर प्रोड्यूस। सर पहले पेज में लिखना थोड़ा बाकी है। एक मिनट आते भाई। सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? हाँ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन होना, कंबशन होना, मतलब ब्रेक होना। तो ब्रेक जब बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो उसी उसी प्रोसेस को, जब आपका सपोज बॉन्ड आ गया, तो बॉन्ड आ गया तो एक एक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो जब वो गेन करेगा ना, तो वहां पे एक चीज ऑक्सीडाइज होगा, एक चीज रिड्यूस होगा, और बीच वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो उसी ब्रेकडाउन वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन। तो फिलहाल आप लोग टेंशन मत ले लो, मैंने आप लोगों को ये चीज जो मैं अभी समझा रहा हूँ ना, ये हमें स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा। या तो हमें ये पहले करना था, या तो हमें ये लास्ट में करना था। तो एक ब्रीफ आइडिया मैं दे रहा हूँ आप लोगों को रेस्पिरेशन का, और लेकिन अब जितना भी आपको स्टेप आपको आगे जानेंगे, एटीपी कहाँ बनता है, एटीपी कहाँ यूज होता है, कौन सा कंपाउंड किसके लिए यूज होता है, यू विल केम टू नो। तो अब ऑक्सीडेशन याद रखना ब्रेक डाउन होता है, और जहां में बॉन्ड्स टूट जाते हैं और एनर्जी रिलीज होता है। सो नेक्स्ट वन, इस बच्चे का हो गया जो कह जिसका पेंडिंग था सर। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट यू विल राइट देयर। क्या आप लोगों ने लिखा था कुछ नेक्स्ट पॉइंट का? नहीं सर। हाँ, यहाँ लिखा था एनर्जी इज लॉस। हाँ, so next one you will write there, only two ATP molecules, yeah, only two ATP are produced from the for the incomplete oxidation of one glucose. और बच्चों यहाँ पे लिख लेना 36 only two ATP, only two ATP are produced, PRODUCED, from the incomplete oxidation of one glucose। और यहाँ पे लिखना है 36 या 38 ATP ATP are produced from the complete oxidation of one glucose। जो किसमें heat loss ज्यादा था? For one। इसमें हीट लॉस ज्यादा था एनएरोबिक में या एरोबिक में? एरोबिक में। नहीं नहीं, हीट लॉस, हीट लॉस किसमें ज्यादा था? एनएरोबिक में। और हीट लॉस किसमें कम था? एरोबिक में। एरोबिक में। अब अगर जिसमें हीट लॉस कम होगा उसमें एटीपी फॉर्मेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिसमें हीट लॉस ज्यादा होता है एटीपी का फॉर्मेशन क्या होगा? कम होगा। तो इसमें आप लोग लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना दैट इज लेस देन ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज, GLUCOSE,
और इधर में लिख लेना दैट इज लेस देन 7% ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज 7% ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड. क्लियर? यस सर. तो अब बच्चों याद रख लेना ग्लूकोज से जरा बता दो यहाँ में कितना एटीपी खाली प्रोड्यूस होता है 2 और ये 2 एटीपी ग्लूकोज से प्रोड्यूस करना. क्या बच्चों ये पूरा एनर्जी ग्लूकोज का है या लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी ऑफ द ग्लूकोज? लेस देन 7%. और ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है एनसीईआरटी से लेस देन 7% ऑफ द ग्लूकोज. लेकिन यहाँ में बिल्कुल 36 या 38 एटीपी प्रोड्यूस होता है. Yes, sir. Is this clear? Yes, sir. So this was regarding the aerobic and anaerobic respiration. इसमें आप लोग examples लिख लेना. जैसे कुछ examples है अगर हम लोग देखेंगे bacteria है या अगर हम लोग देखेंगे कुछ animals है या RBCs वगैरह होता है तो यहाँ पे you can write here bacteria and guys you can write here lower animals no. और for example जैसे एक आप लोग याद रख लेना यहाँ tenia और एक याद रख लेना ascaris. animals like हाँ like tenia TANEA. आप लोगों ने zoology में platyhelminths पढ़ लिया या अभी नहीं? क्या प्लेटी हेलमेंट्स में आपको सर ने बनाया हो बताया होगा टेनिया सोलियम? नो सर नहीं पढ़ा सर. जब आप लोग प्लेटी हेलमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां आपको सर बताएंगे टेनिया सोलियम और जब वो आपको सर एस के हेलमेंट्स पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे एस्केरिस. तो इन टेनिया सोलियम और एस्केरिस के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है? Anaerobic respiration. तो बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं some plants anaerobic. Clear? तो या यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इधर RBCs of animals और you can also write जैसे कुछ muscles है human का muscle है और उसमें भी हो सकता है. skeletal muscles in animals और यहाँ पे आप लोग लिख लेना जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है मैक्सिमम ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्लियर? मैक्सिमम ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग लेंगे प्रोकैरियोट में भी कुछ होता है हम लोग लेंगे यूकैरियोट में है या प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं फंजी हैं या एल्गी हैं. और बच्चों ये सारे के सारे जो हैं ये यहाँ में एरोबिक हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं लेकिन कुछ कुछ का एक्सेप्शन जो था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया. और यहाँ पे आप लोग याद रख लेना अब आप लोग डिफरेंस खत्म कर लेना. डिफरेंसेस आर ओवर. क्लोज द कॉलम्स. ये हो गया आप लोगों का
यस सर। तो अब मैं आप लोगों को जाके बता दूंगा कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन था और ये इन एरोबिक रेस्पिरेशन था, और कुछ चीजें और भी हैं डिफरेंसेस में लिख सकते हैं, लेकिन वो हम लोग आगे सीखेंगे जब मैं आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाते जाऊंगा। अब बता दो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडाइज करें तो कितना एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से? 36 या 38 ATPs। तो बच्चों, अगर हम लोग ग्लूकोज को पार्शियली ऑक्सीडाइज करें, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करें, तो कितना एटीपी प्रोड्यूस होगा? 2 ATPs। तो अब आप लोग जरा क्वेश्चन लिख लो। एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन आरबीसीज, आरबीसीज का फुल फॉर्म पता है ना? रेड ब्लड सेल। हाँ, वेरी गुड, रेड ब्लड सेल, या इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आरबीसीज ऑकर्स ड्यू टू द absence of, और absence of लिख लेना पहला, here you can write ribosomes, और बच्चों second वाला you can write here chloroplast, या nucleus लिख लेना, mitochondria, डी यू कैन राइट है गोल्गी बॉडीज। सर नंबर बी क्या है? नंबर बी है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और यहाँ राइबोसोम्स है, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, और यहाँ में गोल्गी बॉडीज है। जरा क्या होगा आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया सर। वेरी गुड, आंसर विल बी द माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनल जरूरी है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन आरबीसीज में क्या एब्सेंट होता है? यस सर, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, तो इसीलिए आरबीसीज में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो दिस वाज द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द presence or absence of the oxygen। तो बच्चों अब हम लोग second एक basis लिखेंगे, और वो second basis लिखेंगे आप on the basis of respiratory substrate। क्या उसने माइटोकॉन्ड्रिया? हाँ हाँ, आप लोगों को सीक्वेंस पता चल रहा है ना? जरा टॉपिक क्या है अभी हम लोगों का जो चल रहा है? यस सर, अभी जो करंट टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो क्या चल रहा है हम लोगों का अभी? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या चल रहा था? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जरा बच्चों, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में मैंने कौन सा क्राइटेरिया पहला लिया था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ। अब बता दो सेकंड क्राइटेरिया क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में दो तरह का रेस्पिरेशन लिख लेना आप, और एक में लिख लेना फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और बच्चों दूसरा वाला लिख लेना प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। One is floating respiration and second is protoplasmic respiration. बच्चों कौन सा respiratory substrate commonly use होता है? वो हमें लिखा कार्बोहाइड्रेट।
वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अगर खत्म हो जाए उसके बाद क्या यूज होता है? फैट यूज होगा। फैट अगर खत्म हो जाए उसके बाद क्या यूज हो जाए? तो बच्चों जब भी सेल के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट और फैट यूज हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। तो देखो दिस रेस्पिरेशन, इन दिस रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। क्लियर? और बच्चा कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है? प्रोटीन। तो जब प्रोटीन यूज होगा उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। सो इन दिस रेस्पिरेशन, इन दिस रेस्पिरेशन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। और इसमें लिख लेना इन दिस रेस्पिरेशन the proteins are used as respirator। आप लोग अपने कॉपी को नीट एंड क्लीन मेंटेन करते रहना। मेरे कॉपी में जो नोट्स होगा आपको सारा कुछ इंक्लूड होगा, एनसीईआरटी भी इंक्लूड होगा, आपका मॉड्यूल भी इंक्लूड होगा। तो आप लोगों को कॉपी पढ़ने से मतलब बहुत ही फायदा होगा अगर आप ये नीट एंड क्लीन मेंटेन करेंगे। जिस बच्चे का छूट रहा है वो अपने फ्रेंड से पूछेगा कि मुझे फोटो दे दो जहां मुझे यहां पे छूटा है, तो वो अपनी कॉपी को लेकिन जरूर पूरा करेगा, मेंटेन करेगा। और उसी को आप बार बार रिवाइज करते रहना। इन दिस रेस्पिरेशन द प्रोटीन्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर? सो जब भी कभी अगर स्टारवेशन होगा या कुछ होगा, बॉडी में खत्म हो जाए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह, और तब जाके ये यूज होगा। और ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जो है ये अच्छा नहीं है ऑर्गेनिज्म के लिए, बिकॉज ये प्रोटोप्लाज्म डिप्लीट करता है। तो इसमें लिख लेना आप इट it occurs during starvation and depletes। तो बच्चों deplete का मतलब क्या है? Decreases protoplasm of cell। मैं रिपीट करूंगा यहां मैं, इन दिस रेस्पिरेशन द प्रोटीन्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इट ऑकर्स ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड डिप्लीट्स या डिक्रीजेस प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड डिप्लीट्स DEPLETS या डिप्लीट या ब्रैकेट में लिखना है डिक्रीजेस प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। बच्चों प्रोटीन सेल का किस हिस्से में प्रेजेंट होता है ज्यादातर? प्रोटीन सेल के किस हिस्से में ज्यादा होता है? प्रोटीन इज मेनली प्रेजेंट इन द व्हाट? प्रोटोप्लाज्म। तो अगर प्रोटीन खा जाएगा सेल खुद ही, तो बच्चों क्या काम होते जाएगा सेल का? प्रोटोप्लाज्म। तो अगर सेल अपना साइटोप्लाज्म ही खा जाएगा, प्रोटोप्लाज्म ही खा जाएगा, तो क्या होगा? सेल का जो है धीरे 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 कमी हो जाएगा और सेल मर जाएगा, वो इंसान मर जाएगा, एक प्लांट मर जाएगा। तो अगर कार्बोहाइड्रेट यूज करेगा तो वापस आएगा, फैट्स यूज होगा तो वेट कम हो जाएगा, लेकिन जो ही प्रोटीन यूज होना स्टार्ट होगा उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म का चांसेस है डेथ होने का, क्योंकि किसका कमी होगा टाइम बाय टाइम? प्रोटोप्लाज्म का।
नाउ क्या प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन अब अच्छा है लॉन्ग रन के लिए या ये एक ऑर्गेनिज्म का डेथ भी करा सकता है अगर ये लॉन्ग रन के लिए हो जाए? नाउ इट कैन कॉज ऑल्सो व्हाट? डेथ। चलो अब आप लोग हम लोग जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे हम। चलो अब बता दो मुझे कि रेस्पिरेशन में कौन सा बॉन्ड्स ब्रेक होता है? कार्बन कार्बन। हाँ, कोई शर्माएगा नहीं, सारा कोई शर्माएगा नहीं, हर कोई बताएगा, पार्टिसिपेट करेगा, और जो शर्माएगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा और उसका कॉन्फिडेंस कभी भी बिल्ड नहीं होगा, वो हमेशा लेस कॉन्फिडेंट रहेगा। कौन सा बॉन्ड्स ब्रेक होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन? कार्बन कार्बन बॉन्ड। बच्चों जब कार्बन कार्बन बॉन्ड रिलीज होगा क्या उस बॉन्ड ब्रेक करने से एनर्जी रिलीज होगा या नहीं? यस सर, रिलीज होगा। यस, अब अगर एनर्जी रिलीज होगा तो वो किसमें ट्रैप हो जाएगा? जरा बच्चों वो एटीपी जो रेस्पिरेशन के समय बनता है क्या उसमें एंजाइम का रोल है या नहीं है? क्या एंजाइम के बगैर रेस्पिरेशन होगा? नहीं सर। क्या रेस्पिरेशन स्लो प्रोसेस है या रेस्पिरेशन फास्ट प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस सर। क्या एक ही स्टेप में होता है या मल्टी स्टेप में? मल्टी स्टेप में होगा। और जो बॉन्ड अब जाके टूट रहे हैं सीसी बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, तो बच्चों वो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है अब एनर्जी देगा एटीपी। जरा वो एटीपी का बता दो हमारे बॉडी में, क्या प्लांट के बॉडी में या किसी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या क्या काम कराता है? एनर्जी कैरियर, एनर्जी करंट ऑफ सेल। एनर्जी करंट, एनर्जी करेंसी एंड एनर्जी कैरियर ऑफ द सेल, यही ट्रांसफर करता है, यही यूज होगा। किसके लिए? फिजिकल वर्क के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, सेल डिवीजन कराने के लिए, रिजनरेशन कराने के लिए, हर जगह में यही एटीपी यूज होगा। अब बताओ क्या रेस्पिरेशन खाली कैटाबॉलिक प्रोसेस है या रेस्पिरेशन बोथ कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस है? बोथ कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो उसका मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? एम्फीबॉलिक। बच्चों जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के समय बहुत सारे इंटरमीडिएट होता है, यानी कि सबस्ट्रेट आएगा, फिर इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट और बनेगा। जरा उन इंटरमीडिएट्स का नाम एनसीईआरटी ने क्या दिया है? कार्बन स्केलेटन। क्या नाम दिया है? कार्बन स्केलेटन। वो एनसीईआरटी ने कार्बन स्केलेटन लिखा है, तो बच्चे वो कार्बन स्केलेटन बेसिकली क्या होता है? द इंटरमीडिएट्स ऑफ द रेस्पिरेशन। बच्चों क्या वो इंटरमीडिएट्स ऑफ रेस्पिरेशन किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए यूज हो सकता है? यस सर। यस, तो अगर वो दूसरे बायोमोलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए यूज होगा क्या हम उसको एनाबॉलिज्म कहेंगे या कैटाबॉलिज्म कहेंगे? एनाबॉलिज्म। तो इसीलिए रेस्पिरेशन बोथ है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। आप लोगों को जस्ट मैंने आइडिया दिया और आइडिया के जो है अब हमने इसको इलाबोरेट करके पढ़ना है कि कब एटीपी बनेगा, कौन सा मॉलिक्यूल यूज होगा दूसरे के सिंथेसिस के लिए, तो वो हमें अब इलाबोरेट करके सीखना है। जरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एनर्जी रिलीज होता है जो ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है? 2 ATP। वो 2 ATP कितना परसेंट बराबर होगा? 7%। जरा एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एनर्जी रिलीज होता है? फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग में क्या क्या यूज होता है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और प्रोटोप्लाज्मिक में? प्रोटीन्स। सो आई होप आज आप लोग घर पे पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, और सेल्फ स्टडी करके जो है हम लोग नेक्स्ट जाके फिर और इसको आगे बढ़ाएंगे, तब मजा आएगा मुझे भी पढ़ाने में और आप लोगों को भी मजा आएगा जो आगे वाला सीख लेंगे। कोई डाउट है आप लोगों का? नहीं सर। चलो टेक केयर, आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ। हां, बाय बाय, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। इस आवाज़ क्या बोलता है?